रबुपुरा में जारी रामलीला कार्यक्रम में गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने शिरकत की। रामलीला कमेटी और जेवर ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी पहाड़िया ने आलोक सिंह का गुलदस्ता देकर स्वागत किया, जिसके बाद मंच पर पहुंचे और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत सम्मान किया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्री आलोक सिंह जी का रामलीला कमेटी के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। नमस्कार दोस्तों, जेवर प्रेस के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। मैं रामलीला कमेटी के जनवरी 2020 से जो कमिश्नरी प्रणाली इस जिले के लिए दी गई, उसके लिए तभी से गुंडों पर कहर के लिए बयान माने जाने वाले। आइए आपको सुनाते हैं कि मंच से लोगों को संबोधित करते हुए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने क्या कुछ कहा। लोकप्रिय विधायक श्री धीरेन जी, मेरे माइक्रोफोन पर हुई श्रीमती मुन्नी देवी जी, प्रिंसिपल डीपीजी कॉलेज रामलीला समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे अपने बीच आने का यह अवसर दिया, जिसे इस क्षेत्र में धर्म और हमारी जो परंपराएं हैं उसके बारे में आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कैसे कैसे उसे जन जन तक ले जाया जा रहा है, इसके बारे में आपने मुझे अवगत कराया। और ये जो आपका प्रयास है, इतनी कुशलता से ये रामलीला का यहाँ मंचन हो रहा था, मैं जो कुछ इसका संस्मरण देख पाया, विशेषकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपने अनुज के प्रति जो अनुराग और उनके हृदय में जो वो पीड़ा थी जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे, उसका कितना सफल मंचन यहाँ हो रहा था, ये यहाँ से हमारे सभी क्षेत्र के नागरिकों को भी अपने हृदय में बसा कर ले जाना चाहिए कि भाई भाई का ये अटूट प्यार इसी तरह जीवन रहे, इसी तरह हम सबके बीच रहे। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपने बीच आने के लिए बहुत बहुत।